दोस्तों अभी बहुत सारे लोग अपने सिम को BSNL में पोर्ट करवा रहे हैं। अगर आप भी BSNL में पोर्ट करवाने वाले हो या फिर करवा लिए हो तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि फाइनली BSNL जो है वो अब 4G को रोल आउट कर रहा है, यानी अगले महीने तक आपको BSNL का 4G मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं अभी भी बहुत सारे लोकेशन पे 4G नहीं आया है, सिर्फ चेन्नई को छोड़कर अभी भी बहुत सारा ऐसा लोकेशन है जहां पर BSNL जो है 2G 3G इसी पे काम कर रहा है। मेरे यहां तो मेरे ख्याल से सिर्फ 2G आ रहा है। मैंने बहुत पहले एक BSNL का सिम चलाया था और अभी तो वो बंद भी हो गया है, और रिचार्ज बताऊं तो बहुत ही सस्ता है अभी, जिसके वजह से सारे जो यूजर्स हैं जियो के भाग रहे हैं BSNL में। एक दिन के अंदर 70 लाख से भी ज्यादा जो यूजर्स हैं वो BSNL में जा चुके हैं। ज्यादातर जो झारखंड और बिहार के जो यूजर्स हैं वो सब BSNL में पोर्ट करवा रहे हैं, मतलब लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं पोर्ट करवाने के लिए। और हां, सुनने में ये भी आ रहा है कि आने वाले समय में जब यहां पर 4G आ जाएगा या फिर उससे पहले यहां पर फ्री में सिम भी बांटा जाएगा। और अगर हम कुछ साल पहले चलें, जब शुरू में जियो आया था तो आप लोग जानते ही होंगे जैसे जियो आया था उसने फ्री में सारी सुविधाएं दी थी, फ्री में सिम बांटे गए थे, जिसके वजह से उसके जो यूजर्स है वो यहाँ पर आज के टाइम में देख सकते हैं करोड़ों में है। और यही स्ट्रेटेजी अब BSNL अपना रहा है। और मैं आपको बताऊं अभी बहुत अच्छा टाइम है जब BSNL जो है वो पूरा का पूरा गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि अभी जो है काफी सारे लोग अट्रैक्ट हो गए हैं BSNL की तरफ। सिर्फ 400 रुपए में तीन महीना तक आप मजा करेंगे, वो भी 1.5 GB इंटरनेट के साथ। 150 का भी प्लान है, 100 रुपए का भी प्लान है, काफी सस्ते प्लान है, जो कि अभी के टाइम में आपको 800, 900, 1000 रुपए के आपको प्लान दिए जा रहे हैं। वहीं BSNL 300, 400, 500 में आपको तीन महीना साल भर का प्लान दे रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ कि BSNL का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अभी अच्छा नहीं है, पर हाँ मैं आपको बता दूं BSNL बहुत ही पुराना टेली सेक्टर है। अगर आपने पहले कोई सिम लिया होगा तो सबसे पहले BSNL था, उसके बाद एयरटेल आया, फिर आइडिया आया, ये सब आए बाद में। और टावर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि टावर लगेगा, अभी तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको बता दूं टावर लगे हुए हैं, सिर्फ यहाँ पर मशीन को इंस्टॉल करना है और 4G जो है वो सबके पास आ जाएगा। अभी तक क्या था कि BSNL के पास यूजर्स नहीं था, लेकिन अब जो है वो काफी ज्यादा यूजर्स आ चुके हैं BSNL की तरफ और काफी ज्यादा मार्केट में डिमांड आ चुका है BSNL का। और मैं आपको बताऊं, मैं भी एक पर्सनली BSNL का सिम खरीदने वाला हूँ, प्राइमरी नहीं, पर हाँ एक सेकेंडरी सिम होगा जिससे मैं बात वगैरह करूंगा, कॉलिंग वगैरह, क्योंकि अभी तो मैं 5G का रिचार्ज करवा चुका हूँ। तो जो भी बंदा BSNL में जाने का सोच रहा है या फिर सोच रहे हैं सिम खरीदने का, तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि देखो BSNL का सिम खरीद लो, क्योंकि उसी में फायदा है। क्योंकि अभी आप सेकेंडरी सिम को लेकर यूज करेंगे तो आगे चल के आपको हो सकता है जो जियो है वो भी सस्ता कर दे प्राइस। अगर आप BSNL में जाएंगे तो पहले ही सस्ता है, जियो का रखना है तो रखिए, लेकिन एक चीज आप कीजिए कि BSNL का सिम जरूर से खरीद लीजिए। BSNL में कोई भी एक प्लान रिचार्ज करवा के रख लीजिए जिससे आपका जो नंबर है वो एक्टिव रहे। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में यहाँ पर जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है, क्योंकि BSNL वापस आ रहा है और जियो जो है वो अपने प्लान के प्राइसेस बढ़ा चुका है। तो अब BSNL में जाने की वजह से जियो जो है वो जरूर से अपना जो प्राइस है वो कम करेगा। अभी तो शादी वादी का चल रहा है, मैं तो एक BSNL का सिम खरीद रहा हूँ, बाकी आप बताइए इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, खरीदोगे या फिर नहीं खरीदोगे, वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना जरूर से।